बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज की जो वीडियो है थोड़ा सा हटके है, पर हाँ भोलेनाथ से जुड़ी हुई है। एक्चुअली दो दिन पहले मेरे पास ये वीडियो आई थी तो मैं डाल नहीं पाया टाइम की वजह से, लेकिन फिर भक्त का दोबारा फ़ोन आया कि भैया मैंने आपको एक वीडियो भेजी है, इसको आप अपने चैनल पर डाल दें क्योंकि आपके चैनल पर बहुत सारे भोलेनाथ के भक्त हैं, तो अगर आप इस वीडियो को डालेंगे तो आगे आगे शेयर होगी और जो भी मंदिर की समस्याएँ हैं वो जल्दी सॉल्व होंगी। तो भक्तों, भोलेनाथ का भक्त होने के नाते मेरा भी एक फ़र्ज बनता है कि अगर भोलेनाथ के मंदिर के ऊपर कोई दिक्कत है या किसी टाइप की परेशानी हो रही है तो हम उस चीज़ को, कोई हमें भेज रहा है इतने मन से, तो हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएं ताकि आगे से आगे बढ़ेगी, जो भी उनका टारगेट है कि आगे से आगे बढ़ेगी और ये समस्याएँ ऊपर तक पहुँचें और सोल्यूशन हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। क्या पता हमारा एक छोटा सा शेयर इस वीडियो को आगे पहुँचा के किसी बड़ी समस्या को ख़त्म कर दें। तो बाबा की मर्जी है कैसे क्या होना है, लेकिन जो हमारा अपना कर्म है हम अपना कर्म कर रहे हैं। हमारे पास कहीं से वीडियो आई तो हमें आपके यहाँ शेयर की। अगर आपके आसपास भी कुछ शंकर भगवान से जुड़ी हुई या भगवान से जुड़ी हुई या धार्मिक वीडियो हैं जो आप शेयर कर सकते हैं या कुछ परेशानियाँ हैं तो आप बता सकते हैं। हम मिलजुल के, कोई अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता भाई, हम सब मिलजुल के अगर एक एक बंदा भी इस वीडियो को शेयर करेगा और मिलजुल के समस्याओं का निवारण निकालेगा तो समस्याओं का निवारण निकल सकता है या हम सब सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भैया आगे बढ़ाना है कि भैया देखो इस मंदिर की समस्या ये है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, या वहाँ पे एक मूर्ति लगाई थी उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। मतलब किसी भी टाइप की धार्मिक समस्याओं को, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल में, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो कमेंट में देखता हूँ कि लोगों के विचार ही मतलब बहुत कुछ विचार हैं, तो हो सकता है मेरे दिमाग में कोई आइडिया ना आ रहा हो किसी चीज़ को लेके या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो आप लोग सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उस चीज़ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये वीडियो है जो भक्त जी की है, मैं आपके शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ही आगे शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय। कोटेश्वर महादेव के पुजारी बोल रहे हैं, ये रास्ता डूबने जा रहा है और इस स्थान पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो भी सच्चा महाकाल का भक्त है, भगवान भोलेनाथ के प्रति प्रेम श्रद्धा रखता है, इस वीडियो को इतनी शेयर करे कि अधिकारी लोग जो डैम बना के गए हैं या कोटेश्वर महादेव के आगे जल मग्न कर दिया है। अगली वीडियो, पहले वीडियो में आपको जल दिखेगा, उस जल को देख के यहाँ पर रास्ता डूबने जा रहा है। और सभी भक्तों से निवेदन है कि यहाँ पर इस वीडियो को इतना शेयर करें कि प्रधानमंत्री तक भी इस कोटेश्वर महादेव की वीडियो पहुँचनी चाहिए, तो कुछ आप भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाओगे और भगवान भोलेनाथ से जो भी आपकी मनोकामना हो जल्द से जल्द भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। और हमारी तरफ से हम भगवान भोलेनाथ से आपके लिए, सबके लिए शुभकामना मांगते हैं। और हमारा यही निवेदन है, आदेश है कि जो भी भक्त देखे इसको अनसुना ना करे। अगर हिंदू होगा तो इसको बहुत अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करे। जय श्री महाकाल।